हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नाइस एडिट में। मैं आपका दोस्त प्रवेश। दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि हेयर पैच के अंदर हेड वॉश कैसे होता है। केवल आपको ये बताना है, जो हेयर पैच फिक्सिंग वाला होता है तो उसमें बताना है। देखिए, सबसे पहले जब हम हेड वॉश करने जाते हैं नहाने के लिए, तो उसमें हमें दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा इचिंग की। तो इचिंग भाई कब होती है, जब हमारा पैच अच्छी तरह से साफ नहीं होता, तो हमें जब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज जब देखिए, इसमें जब भी हम नहाने के लिए जाएंगे तो ऐसा सबसे पहले ऐसा राउंड ब्रश ले लेना। राउंड ब्रश लेने के बाद में सारे सूखे बालों को इस तरह से सीधे कर लेना, खोल लेना इसको, ठीक है। इस तरह से जब हमारे सारे बाल खुल जाएंगे, तो जब हमें फिर मग्गा लेना, फिर उसके बाद शैम्पू का पेस्ट बनाना और उसी के अंदर आधा ढक्कन डिटॉल मिला लेना। डिटॉल से क्या है कि जो हमें इचिंग वगैरह होती है वो नहीं होगी हमें। तो शैम्पू के साथ ही उसे मिक्स कर लेना, मिक्स करके उसको डाल के और फिर ऐसे कॉम करना है ये, ठीक है। इसमें हाथों से नहीं करना, इस तरीके से वॉश करते हैं ना हम, जैसे धोते हैं शैम्पू से, तो इस तरीके से इसको रगड़ना नहीं। रगड़ने से क्या होगा, देखो हमारा पूरा अच्छी तरह से साफ नहीं होगा, क्योंकि फिंगर हमारा नहीं जाता, कॉम हमारा ये चला जाता है। तो इसमें बहुत अच्छा इससे साफ हो जाएगा इजी तरीके से, और जो डस्ट है तो वो भी आराम से निकल जाएगी कॉम से, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, जब हमने शैम्पू कर लिया, उसके बाद हमें कंडीशनर लेना है, अच्छी तरह पानी से पहले वॉश कर लेना, मग्गे से डाल लेना या शावर ले लेना, और डालने के बाद में पानी डालते रहना और ऐसे शैम्पू धो लेना सारा। उसके बाद में क्या करना है, जैसे आपने फिर उसके बाद मग्गा लेना है, फिर उसमें कंडीशनर घोलना है अच्छी तरह से, आधा मग्गा पानी ले लेना, कम से कम लेना जितना आपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कंडीशनर डाल के पेस्ट बना के उसको भी ऐसे करना है। ज़रूरत पड़े तो 5 मिनट उसे छोड़ देना। 5 मिनट छोड़ने से क्या, देखो उसका बाल सिल्की और सॉफ्ट अच्छी तरह से हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगा बाल, एक एक बाल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में क्या है, आपको अच्छी तरह से साफ जब करना है टॉवल से, ठीक है, शैम्पू धोने के बाद में जब साफ करना है, तो साफ हमें किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे हमने टॉवल ली, टॉवल लेने के बाद में ऐसे दबा दबा के ये साफ करना होता है, ये ऐसे रगड़ना तो हमें बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये साफ करना, जब हमने साफ कर लिया, करने के बाद में हमें बॉर्डर को ऐसे दबा लेना है, जहाँ पे हम ग्लू लगाते हैं ना उस जगह पे आपको दबा लेना है इस तरीके से करके ये। तो उसमें क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और जब हम शैम्पू कर लेते हैं, कंडीशनर कर लेते हैं, टॉवल से दबा लेते हैं, अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, तो हमें एकदम ही गीले गीले में ऐसे ऊपर की दिशा में कॉम नहीं करना। देखो इससे क्या है, देखो अगर हम डायरेक्टली इसमें तो वो ऐसे उठता है, जैसे ये मेरा उठ रहा है, आप देख रहे होंगे ये उठ गया है, तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें पहले नीचे करना है, फिर ऐसे पार्टीशन बनाना है हल्के से, और हमें आगे की तरफ हाथ रख लेना है इसमें, तो हम इस तरीके से पार्टीशन बना लेंगे अपना, जैसे भी हमें बनाना है इसमें, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और अगली जो वीडियो हमारे आएगी तो वो आएगी हेयर पैच क्लिपिंग में कैसे वॉश करते हैं, किस तरह से कैसे वॉश करते हैं, ठीक है। तो क्लिपिंग में भी अगली वीडियो हमारी कल आएगी, 8 से 9 बजे के बीच में आप तक पहुंच जाएगी वीडियो हमारी। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना मत भूलना दोस्तों। ये रेड कलर का जो बटन है इस पर टच जरूर कर देना, और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना, हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।